जय हिंद। स्वागत करते हैं भगत सिंह जी के क्लास में। आज हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री भारत के वास्तविक प्रधान होते हैं। राष्ट्रपति के बारे में देखे थे तो उस समय वैधानिक रूप से प्रधान थे, लेकिन वो नाम मात्र के प्रधान थे। ठीक है, सारा डिसीजन उसके प्रधानमंत्री लेते थे, सिर्फ वो साइन सिग्नेचर होते थे। ठीक है, उसे रबर स्टम्प भी कहा जाता था, क्योंकि वो सिर्फ मोहर और सिग्नेचर के लिए ही थे। तो भारतीय संविधान में जो है प्रधानमंत्री पद जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, क्योंकि ब्रिटेन के प्रधान संविधान में ही प्रधानमंत्री सारा कुछ होता है, सारा अधिकार प्रधानमंत्री के अंदर ही होता है। तो अब देखेंगे आगे। अनुच्छेद 74 कहता है, अनुच्छेद 74 कहता है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, किसे? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की आवश्यकता है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की आवश्यकता है। मंत्रिपरिषद का जो हेड होगा वो प्रधानमंत्री कहलाएगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद का जो हेड है वो प्रधानमंत्री कहलाएगा। अनुच्छेद 74 में इसी चीज़ का वर्णन है कि राष्ट्रपति के सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जिसका हेड क्या होगा? प्रधानमंत्री। 75 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। नियुक्ति शब्द क्या होता है और चुनाव का शब्द क्या होता है, दोनों अलग अलग है। चुनाव में वोट डाला जाता है, ठीक है, और नियुक्ति का मतलब होता है 10-15 मिलकर किसी को मौखिक रूप से चुन दिए, हाँ इसका नियुक्त कर दिए, होता है। यहाँ कहता है चुनाव, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, सारा सदस्य आए, किसको बहुमत है, कितना सीट है, तो जिस पार्टी का यानी बहुमत होता है उसी का जो नेता चुना जाता है, जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75 यही कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री की जैसे नियुक्ति हो गया, अब इनके सलाह पे राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद चुनेंगे। मंत्रिपरिषद चुनेंगे मतलब समझिएगा कि राष्ट्रपति का तो चुनाव कर दिए राष्ट्रपति, यानी कि प्रधानमंत्री चुनाव कर दिए राष्ट्रपति। अब प्रधानमंत्री जिनको बोलेंगे गृह मंत्री का बनवा दीजिए, जिनको बोलेंगे स्वास्थ्य मंत्री बना दीजिए, तो राष्ट्रपति वही करेंगे। जो यहाँ से बोला जाएगा, जिनको जो मंत्री देने का पद देने के लिए, वो राष्ट्रपति करते रहेंगे। अनुच्छेद 75 यही करता है। 75 के 2 में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के मन पे है कि प्रधानमंत्री कब तक मंत्री रहेंगे, जब चाहेंगे इसको हटा सकते हैं, लेकिन इसके भी रूल रेगुलेशन है, ऐसे नहीं हटा सकते। जब तक प्रधानमंत्री का लोकसभा में बहुमत रहेगा तब तक राष्ट्रपति इसे हटा नहीं सकते हैं, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नहीं हटा सकते हैं। जैसे ही इनके लोकसभा में बहुमत खत्म हो गए तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे या राष्ट्रपति उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं, तब वहां जाके यहाँ पे पावर होता है। प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं है कि प्रधानमंत्री कितना साल तक रहेंगे, कहीं पे भारतीय संविधान में कहीं प्रधानमंत्री की जिक्र नहीं है कि कितना साल तक रहेंगे, लेकिन लोकसभा टर्म के लिए 5 साल यूज किया गया है। 5 साल मैक्सिमम 5 साल रह सकता है, ये नहीं कि प्रधानमंत्री 5 साल रहेंगे, लोकसभा 5 साल रहेंगे, तो उसी आधार पर मान लिया जाता है कि प्रधानमंत्री 5 साल रहेंगे। उससे पहले भी इसे विघटित करके हटाया जा सकता है या इस्तीफा दे सकता है। ठीक है, अनुच्छेद यानी कि 75 का 2 यही कहता है कि मंत्री यानी प्रधानमंत्री को किसी भी समय राष्ट्रपति हटा सकते हैं। 75 के 3 में क्या कहते हैं, 75 के 3 में क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद, या इसे समझिए इसको, पूछा जाता है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, तो वो इसका आंसर होगा लोकसभा।
अगर अनुच्छेद पूछ दिया जाए कि किस अनुच्छेद में, तो 75 के 3 में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो आंसर होगा लोकसभा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है रेलवे एग्जाम, कोई भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, लेकिन अब थोड़ा सा एग्जाम टफ हो रहा है, तो अगर पूछ दे किस अनुच्छेद में, तो 75 के 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होगा। यहाँ लोकसभा में इससे जवाब सवाल किया जाएगा मंत्रिपरिषद से, ठीक है। अनुच्छेद 75 का 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 75 का 4 कहता है, 75 का 4 कहता है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सामने में शपथ ले। मंत्रिपरिषद के जितने सदस्य हैं और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सामने में शपथ लेंगे, यानी 75 के 4 में क्या है, शपथ, ठीक है। अब 75 या शपथ, अब कह रहा है कि मंत्रिपरिषद में कितना मंत्री हो सकता है, सबको मंत्री नहीं बना सकते ना, 543 सीट इलेक्टेड, तो सबको मंत्री नहीं बना सकते, तो कितना मंत्री बना सकते हैं, तो संशोधन 2003 के तहत टोटल इलेक्टेड सीट जो है 543 का 15% आप मंत्री बना सकते हैं, 15% सदस्य को मंत्री बना सकते हैं, यानी कि लगभग 80 से ज्यादा मंत्री आप कैबिनेट में नहीं बना सकते हैं। और ज्यादा मंत्री कहाँ बनता है, जहाँ पे गठबंधन की सरकार हो, ठीक है, तो 15% से आप ज्यादा की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 75 का 5 क्या कहता है कि कोई राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है, कोई जरूरी नहीं है वो लोकसभा या राज्यसभा का ही सदस्य हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बनने के बाद 6 महीना के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा से सदस्यता लेना होगा, लोकसभा या राज्यसभा से सदस्यता लेना होगा, अगर नहीं ले पाया तो उसकी जो है राष्ट्र प्रधानमंत्री के पद छोड़ना पड़ जाएगा। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री पद तो ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन ब्रिटेन में लोकसभा का ही अध्यक्ष चलेगा, यानी कि लोकसभा का जो सदस्य है वही प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राज्यसभा का नहीं। लेकिन भारत में क्या है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों चलेगा, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप शपथ ले लीजिए, 6 महीना के अंदर आप इसकी सदस्यता ग्रहण कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या कहता है, अब मंत्री जो होते हैं, मंत्री 3 प्रकार होते हैं, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा हो जाता है राज्य मंत्री, तीसरा हो जाता है उपमंत्री। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री में अगर प्रधानमंत्री को जोड़ दिया जाए, तो ये बन जाता है कैबिनेट, ये बन जाता है मंत्रिमंडल, ये बन जाता है मंत्रिमंडल, यही कहलाता है मंत्रिमंडल, ठीक है। तो मंत्री कितने प्रकार के, 3, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, और जब कैबिनेट मंत्री में प्रधानमंत्री को जोड़ देंगे तो मंत्रिमंडल बन जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, प्रधानमंत्री कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, मात्र 4 अनुच्छेद इससे जुटे संबंधित है, 74, 75, 78 और 366, छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि सारा संवैधानिक अधिकार तो राष्ट्रपति को है, सिर्फ इसे वास्तविक अधिकार है, तो कुछ अनुच्छेद इसके लिए भी है।
अब क्या कहता है कि अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो लोकसभा के जितने भी मंत्री थे, लोकसभा मंत्रिमंडल के, मंत्रिमंडल के सारा सदस्य का, जितने भी इसके सदस्य थे 80-85, सारा का इस्तीफा माना जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिया, इस सारा का इस्तीफा माना जाएगा अपने आप। लेकिन मंत्रिमंडल का कोई एक सदस्य, जैसे रेल मंत्री इस्तीफा दे देगा तो सिर्फ ये उसका इस्तीफा होगा, ना कि बाकी का। ऐसे में लोकसभा भंग नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दे दे तो लोकसभा भंग होगा, कोई भी मंत्री कोई कार्य नहीं कर सकता है जब तक कि नए प्रधानमंत्री का सिलेक्शन ना हो जाए। ऐसा हो सकता है प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे, या विश्वास मत खो दे, या फिर उसकी डेथ हो जाए। ऐसे सिचुएशन में मंत्रिमंडल भंग हो जाता है, किसी भी मंत्री के पास कोई डिसीजन नहीं होता है लेने का, ठीक है। लेकिन कोई मंत्री अब एक मंत्री देता है तो उसे लोकसभा भंग नहीं किया जा सकता है, या प्रधानमंत्री हटा भी सकता है जिसका कार्यकाल अच्छा नहीं, यानी कामकाज अच्छा नहीं हो तो उसे हटा भी सकते हैं उसके पद से, ठीक है। अगर नहीं वो इस्तीफा दे रहे हैं तो राष्ट्रपति को कह के उसे बर्खास्त भी किया जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री के कहने पर। अनुच्छेद 78 कहता है कि मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच प्रधानमंत्री ब्रिज का काम करता है, प्रधानमंत्री ब्रिज का काम करता है। कोई भी काम होगा तो अगर मंत्रिपरिषद से कुछ भी काम कराना है तो पहले प्रधानमंत्री का टेबल में आएगा, यहाँ से फिर राष्ट्रपति के टेबल में जाएगा। अगर राष्ट्रपति के पास चला गया, राष्ट्रपति को कुछ लगे कि इसमें कुछ होना चाहिए तो इसको रिटर्निंग कर सकता है कि कुछ थोड़ा सा संशोधित कीजिए, किए तो ठीक है, अगर नहीं किए, सेम टू सेम रिटर्न कर दिए तो फिर राष्ट्रपति इसे लौटा नहीं सकता, इसे सिग्नेचर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 78 यही कहता है कि मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच प्रधानमंत्री जो ब्रिज का काम करता है, आपस में जोड़ता है, ठीक है। अब आता है बात कि जब प्रधानमंत्री, जब पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर यानी कि जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई थे तो उस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे गुलजारी लाल नंदा, यानी कि 1964 में डेथ हो गए थे तो कुछ समय के लिए गुलजारी लाल नंदा यानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था, लेकिन फिर लाल बहादुर शास्त्री की भी डेथ हो जाती है 11 जनवरी 1966 को, तो फिर से गुलजारी लाल नंदा को भारत के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं कार्यवाहक के रूप में, ठीक है। अब फिर जब चुने जाते हैं कार्यवाहक के रूप में, लेकिन जब 1966 में इंदिरा गांधी को चुना जाता है प्रधानमंत्री के रूप में, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो उस समय वो राज्यसभा की सदस्य थी। किसकी सदस्य थी? राज्यसभा की। ऐसे चार प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री बनने से पहले वो राज्यसभा के सदस्य थे। एक तो इंदिरा गांधी, दूसरे थे HD देवगौड़ा, तीसरे थे गुजराल, IK गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, और चौथा थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह भी 2004 में जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उस समय वो लोकसभा के ही यानी कि राज्यसभा के ही सदस्य थे। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री के सलाह पे ही राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज को यानी कि शपथ दिलाते हैं, चुनाव आयोग, UPSC के चेयरमैन, CAG भारत का अभी यानी कि CAG का महान्यायवादी, सबकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के कहने पे ही राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं उन्हें। तो यानी कि सारा पावर प्रधानमंत्री के पास है, राष्ट्रपति सिर्फ उसे फॉलो करते हैं। पहले ऐसा था कि 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि राष्ट्रपति बन यानी कि राष्ट्रपति को ऑर्डर दिया गया कि कोई भी प्रधानमंत्री बनने से पहले उसे लोकसभा में बहुमत साबित करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे शपथ दिलाइए और कुछ दिन का मोहलत दीजिए, उसके बाद आप उससे
बहुमत है तो फिर सरकार रहेगी, अन्यथा उसे हटा दिया जाएगा। तो इसी तरह 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना सरकार बनाया, उसके बाद लोकसभा में अपना बहुमत साबित किया, नहीं कर पाने के कारण 13 दिन में ही सरकार गिर गई। फिर 1998 में ऐसा किया गया, फिर 1998 में पहले ये शपथ ग्रहण किए, उसके बाद बहुमत साबित किए, तो यहाँ कुछ दिन तक चले थे, 13 माह तक, ठीक है। तो इस तरह बहुत हुए, आई जे गुजराल हुए, ठीक है। तो ये नियम 1980 के बाद आया। कार्यवाहक शब्द जो है प्रधानमंत्री के पद से, नाम से हटा दिया गया, कब? 1984 में राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, जिन्होंने 1983 में इंदिरा गांधी के समय पे अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ पे आतंकवादी हमला किया गया था, जिसके कारण सभी को लगा कि इंदिरा गांधी का हाथ है, और सिख समुदाय द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, ठीक है। तो उस समय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने बिना अपने स्वविवेक, इसी के पुत्र थे राजीव गांधी, राजीव गांधी को अगला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिला दिए थे। बाद में पार्टी माने थे, तो पहली बार जो है कार्यवाहक का यहीं पे नेगलेक्ट किया गया राष्ट्रपति द्वारा, ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा, ठीक है। तो ये थे प्रधानमंत्री को इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। अब अगर थोड़ा सा यहाँ पे जान जाते हैं सैलरी के बारे में, ठीक है। तो प्रधानमंत्री का जो है सैलरी, प्रधानमंत्री के रूप में 0 मिलता है, लेकिन सांसद के रूप में जो सब सांसद को मिलता है वही इसे भी मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में कुछ नहीं मिलता है, ठीक। प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देंगे, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। अब आते हैं सैलरी, अगर सैलरी की बात करें तो सांसद की सैलरी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की सैलरी नहीं होती है, ठीक है। तो 2001 से पहले सांसद की सैलरी मात्र 1500 रुपये था, लेकिन 1954 सांसद अधिनियम में संशोधन करके 2001 के बाद इसकी सैलरी 3000 प्रति माह किया गया। वर्तमान समय में इसकी सैलरी 50,000 है, सिर्फ बेसिक सैलरी। इसमें जितने प्रकार के भत्ते दिए जाते हैं फ्री है, हवाई अलाउंस, हवाई जहाज से यात्रा करेंगे 1,54,000 फ्री है, रेल से यात्रा करेंगे फ्री है, सारा सुविधा, अगर सारा चीज को भत्ता को जोड़ दिया जाए, जितना प्रकार के इसे भत्ता मिलता है, तो एक साल में 18,22,000 रुपये का भत्ता के रूप में मिलता है सालाना, ठीक है। अगर एक साल का एक सांसद का अगर वेतन देखा जाए, वेतन एक सांसद का, तो ये 35,00,000 रुपया होता है। और इस तरह भारत में कितने हैं? 790 सांसद हैं, ठीक है। लेकिन इतने मिलने के बावजूद भी 50,000 यूनिट बिजली फ्री है, 70,000 कॉल फ्री है, 40,00,000 लीटर पानी फ्री है, प्लस एक बार जीत गए बोनस, ये क्या कहते हैं पेंशन, ये जो जहाँ पे इसका आवास मिलता है वो उसका सारा फर्नीचर फ्री, एयर कंडीशन रूम, सारा फैसिलिटी दिया जाता है नेता लोग को। इसके बाद एक बार जीत गए तो पेंशन गार्ड, सारा फैसिलिटी दिया जाता है। ये थे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि
कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल कब से कब तक और उसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक।